चूक नहीं हो गई। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य विकास की गति में, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने यह सोचा नहीं कि इस देश के और इस प्रदेश के विपक्षी दल कांग्रेस, सपा और बसपा इस हद तक अपनी राजनीति का स्तर गिरा सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए, सत्ता में वापस आने के लिए राष्ट्रहित में और इसी देश के जो हमारे बंधु भाई हैं, परिवार हैं, उनके हित में लाए गए कानून के खिलाफ इस तरह से लोगों को गुमराह करेंगे, भड़काएंगे और एक बार फिर से इस देश में हिंदू मुस्लिम की खाई को चौड़ा करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति जिसको यह देश नकार चुका है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, जहां जहां उनकी सरकारें थी, क्योंकि सरकारें स्वयं विरोध करने लगी इस कानून का जो उनकी संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ था, वो स्वयं दंगाइयों बलवाइयों का सपोर्ट करने लगे और वही लोग, यही तो इसी तरफ का इशारा कर रहे हैं कि वही लोग इन आंदोलनों के पीछे खड़े थे, केवल इस देश के मुसलमानों का कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं यही बात हमारी पार्टी कहना चाह रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो है, अल्पसंख्यकों को डरना नहीं चाहिए। हरदोई के ही आमिर खान है, उन्होंने भी कहा कि हमको डर लगता है, काफी पुराना बयान हो गया, सुन लीजिए सर। दूसरा, विपक्षी दलों का ये आरोप है कि सरकार जो बिल लाती है उसमें विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती। अगर कोई सरकार को बिल लाना है तो विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस में, सरकार जो भी चाहती है वो मनमर्जी के फैसले ले रही है, सबसे बड़ा आरोप है विपक्ष का। देखिए, इस देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों का ये बात करना फैशन हो गया, और विशेषकर कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, नसीरुद्दीन शाह को भी डर लगता है। और आज नसीरुद्दीन शाह हैं, ये अगर पहचान उनको मिली है तो इस देश के बहुसंख्यकों के बल पर मिली है। कई ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय हैं तो फतवा जारी करते हैं कि सिनेमा देखने नहीं जाना। अगर अल्पसंख्यकों के बल पर प्रतिष्ठा मिलनी होती तो आज आमिर खान नहीं होते। और डर कितना लगता है, कहाँ लगता है, आज ही के अखबार को पढ़ेंगे जब आपके शाहरुख खान के साथ अमेरिका में क्या हुआ है।